बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैटरी, फ्यूल सेल और कोरोसन इतना कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बैटरी। बैटरी ए डिवाइस व्हिच जनरेट एनर्जी। ऐसी डिवाइस जो एनर्जी जनरेट करती है उसको बैटरी कहते हैं। सेल यूज्ड इन बैटरी इज ऑफ टू टाइप। प्राइमरी सेल कैन नॉट बी फर्दर रिचार्ज्ड। कैन नॉट बी फर्दर रिचार्ज्ड। आई इरिवर्सिबल। एग्जाम्पल में ड्राई सेल आर लेक लॉन्चेशन। दूसरा हो जाएगा कंसंट्रेशन सेल, सॉरी मर्करी सेल। मर्करी सेल यहाँ पर हो जाएगा सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल सेकेंडरी सेल ए सेल दैट कैन बी फर्दर रिचार्ज्ड। ए सेल दैट कैन बी फर्दर रिचार्ज्ड। हाँ, तो सेकेंडरी सेल में हम लोग देखते हैं ए सेल दैट कैन बी फर्दर रिचार्ज, आई ई इट इज रिवर्सिबल। एग्जाम्पल में देखा जाए भैया तो हो जाएगा लेड स्टोरेज सेल। और निकल कैडमियम सेल। ये हो जाएगा। अब एक एक सेल के बारे में हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ड्राई सेल के बारे में। ड्राई सेल, यहाँ पर ड्राई सेल जो है
यहाँ पर ये जिंक कंटेनर होता है, ये जिंक कंटेनर, ये एक्ट्स एज ए नोड, ये नोड की तरह भी हेल्प करता है। यहाँ पर ग्रेफाइट राड होती है, ये कैथोड की तरह एक्ट करती है। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर MnO2 होता है, NH4Cl होता है, ZnCl2 होता है और ग्रेफाइट होता है। आर कार्बन कह सकते हैं। यहां पर ध्यान दें, इलेक्ट्रोड रिएक्शन इलेक्ट्रोड रिएक्शन यहाँ पर भैया ये जिंक बदलेगा जिंक डबल प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन एनोड में, और यहाँ पर टू MnO2 टू NH4 प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये बदल जाएगा Mn2O3 टू अमोनिया वाटर में, ये कैथोड रिएक्शन है, ये एनोड है। अब अगर इसको ऐड किया जाए तो यहाँ पर ध्यान दें, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा जिंक प्लस टू MnO2 प्लस टू NH4 प्लस इक्वल टू हो जाएगा जिंक डबल प्लस प्लस Mn2O3 प्लस टू अमोनिया प्लस वाटर, ये सेल रिएक्शन है। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये सेल रिएक्शन हो गया। अब ये जो अमोनिया गैस बन रही है, अगर ये गैस बनती रही तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा तो कंटेनर टूट जाएगा, इसलिए ऐसा ना हो यहाँ पर जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं। अमोनिया गैस फार्म कॉम्प्लेक्स विद जिंक क्लोराइड, अदरवाइज प्रेशर विल डेवलप विच ब्रेक द कंटेनर। प्रेशर विल डेवलप विच ब्रेक द कंटेनर, वहां पर ध्यान दो, ये हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगला पॉइंट हो जाएगा
अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर। या ऐसे शुरू किया जाए सेंटेंस को, यहाँ पर ध्यान दें, अगर आप सेल यूज नहीं कर रहे हैं तब भी कुछ समय बाद सेल डेड हो जाती है। यहाँ पर सेल बिकम डेड आफ्टर सम टाइम। सेल बिकम डेड After some time, however, it is not in use. However, it is not in use because presence of acidic ammonium chloride corrode the container का corrosion कर देती है, जिससे ये सेल डेड हो जाती है। आप देखते होंगे मार्केट से आप कई बार बैटरी नई खरीद के लाए हैं लेकिन फिर भी ये कुछ समय में डेड हो गई। आपको लगता है कि हमने नई परचेज किया था लेकिन सेल तो डेड हो गई। कारण आपको समझ में नहीं आता तो इसका कारण यही है कि सेल आपने परचेज भले नहीं किया है लेकिन वो बनी काफ़ी पुरानी थी। यहाँ पर एक और चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट, यहाँ पर ध्यान दें, MnO2 काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रहे हो, एक्स एज डीपोलराइजर। MnO2 एक्स एज डीपोलराइजर, ये पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। फ्रॉम दिस सेल पोटेंशियल ऑफ अबाउट 1.25 to 1.5 volt can be obtained. Potential of about 1.25 to 1.5 volt can be obtained. ये हो जाएगा। तो ये हो गया ड्राई सेल के बारे में। दिस सेल is used in radio and watches. तो ये चीज है। आगे आप लिखेंगे मर्करी सेल, यहां पर मर्करी सेल मर्करी सेल। तो मर्करी सेल में अगर देखा जाए क्या होता है भैया, यहाँ पर जिंक कंटेनर होता है जो एनोड की तरह कार्य करता है। HgO कैथोड की तरह KOH इलेक्ट्रोलाइट होता है, KOH इलेक्ट्रोलाइट होता है। यहां पर ध्यान दो, इलेक्ट्रोड रिएक्शन की बात करें
इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा जिंक प्लस टू ओ एच माइनस जेड एन ओ, यहाँ पर एच टू ओ प्लस टू इलेक्ट्रॉन एनोड, यहाँ पर एच जी ओ प्लस एच टू ओ प्लस टू इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एच जी प्लस टू ओ एच माइनस, ये हो जाएगा कैथोड। अब यहाँ पर अगर देखा जाए ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जिंक एच जी ओ, ये दो ओ एच माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाटर वाटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड और एच जी बन गया, ये सेल रिएक्शन है यहाँ पर। From this cell, constant potential of 1.35 volt can be obtained. यहाँ पर कांस्टेंट पोटेंशियल पे ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा था किस सेल से कांस्टेंट पोटेंशियल मिलता है, तो यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, एज नो इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन सेल रिएक्शन, सो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is constant, ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे लेड स्टोरेज सेल, सेकेंडरी सेल में, ये थर्ड सेल लेड स्टोरेज सेल, ये लेड स्टोरेज सेल में अगर देखा जाए यहां पर यहाँ पर लेड एनोड, ये लेड ऑक्साइड कैथोड,
38% H2SO4, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है और डेंसिटी इसकी होती है 1.30 ग्राम पर डीएम क्यूब, ये होता है। चलो भैया, यहाँ पर दिस सेल कैन बी डायरेक्टली रिचार्ज्ड, इस सेल की रिचार्जिंग हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। दूसरा, दिस सेल कैन बी डायरेक्टली रिचार्ज्ड। इलेक्ट्रोड जो होते हैं अल्टरनेट मैनर में होते हैं, इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन अल्टरनेट मैनर एंड कनेक्टेड आउटवर्ड इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन अल्टरनेट मैनर एंड कनेक्टेड आउटवर्ड टू इंक्रीज सरफेस एरिया। हेंस आउटपुट ऑफ द सेल या एफिशिएंसी ऑफ द सेल। आर एफिशिएंसी ऑफ द सेल दिस सेल both as electrochemical and electrolytic cell during discharging आप इसको हेडिंग मान लो इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल i.e. chemical energy convert into electrical energy negative so cell reaction is spontaneous yahan par electrode reaction
आर एज फॉलो, इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर एज फॉलो। यहाँ पर पहला लेड एनोड, ये देखें ये चीज। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप जोड़ें तो यहाँ पर लेड, ये लेड ऑक्साइड हो जाएगा, ये सल्फेट सल्फेट टू सल्फेट और फोर एच प्लस, ये आप इसको टू एच टू एस ओ फोर लिख सकते हो। यहाँ पर पी बी एस ओ फोर, तो दो पी बी एस ओ फोर हो जाएगा, टू एच टू हो जाएगा, ये सेल रिएक्शन हो गया। और ध्यान दें जब ये डिस्चार्ज होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बदलता है लेड सल्फेट में, जिससे कंसंट्रेशन घटता है। ड्यूरिंग डिस्चार्ज H2SO4 कन्वर्ट इनटू लेड सल्फेट। सो कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीजेज एंड व्हेन इट बिकम 1.20 ग्राम पर डीएम क्यूब सेल नीड्स टू बी रिचार्ज नीड्स टू बी रिचार्ज्ड, ये हो जाएगा। ड्यूरिंग रिचार्जिंग इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। डेल्टा जी पॉजिटिव, सो सेल रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस, यहां पर डेल्टा जी इज पॉजिटिव सो सेल रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस। अब यहां पर देखा जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी converts into chemical energy electrical energy convert hogi chemical energy mein। chalo bhaiya electrode reaction as follows।
ये देखते हैं, अब यहां पर ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा। इलेक्ट्रोड रिएक्शन पूछा जाता है इस सेल में, ध्यान रखिएगा कि एक तो कई रिएक्शन हो रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा जब डिस्चार्ज होगी तब क्या होगा, रिचार्ज होगी तब क्या होगा। जैसे डिस्चार्ज होगी तो कैथोड रिएक्शन क्या होगा, रिचार्ज होगी तो कैथोड रिएक्शन क्या होगा, इस तरह से पूछते हैं, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हो गया, ये सेल रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, जब सेल रिचार्ज हो रही है, तो ये हो गया सेल रिएक्शन। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये जो लेड सल्फेट है, ये ड्यूरिंग डिस्चार्ज रिचार्जिंग बदलेगा सल्फ्यूरिक एसिड में, तो सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो फिर रिचार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर ड्यूरिंग रिचार्जिंग लेड सल्फेट वर्ड्स इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, सो कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। ये सेल चार्ज हो जाएगी, फ्रॉम दिस सेल पोटेंशियल ऑफ अबाउट 12 वोल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। दिस सेल इज इन इन्वर्टर and in motor vehicle, तो ये सेल इन्वर्टर में यूज होगी और मोटर व्हीकल में यूज होगी, इस चीज को आप जानते रहेंगे। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, व्हेन सेल इज डिस्चार्ज, बल्कि लेड स्टोरेज सेल कर लो, प्रोसेस
अकराइट कैथोड। विच प्रोसेस अकर एट कैथोड? लेट डबल प्लस कन्वर्ट लेड डबल प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू लेड प्लस फोर प्लस टू इलेक्ट्रॉन इनटू लेड लेड प्लस प्लस फोर इलेक्ट्रॉन equal to lead. Lead into lead double plus plus two electron. तो ये बताना है आपको कौन सा प्रोसेस होगा। हम लोग हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दें, बात यहां पर किया जाए तो ये रिचार्ज हो रहा है, यहां पर रिचार्जिंग ही बोला गया है, डिस्चार्जिंग बोला गया है। ये देखो डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्जिंग में ये लिखा गया है, देखें यहां पे ये डिस्चार्जिंग कहां गया, ये देखो, तो ये कैथोड है, डिस्चार्ज होने पर ये कैथोड है। अब कैथोड है तो यहाँ पर ध्यान दो, ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये प्लस फोर हो जाएगा, ये प्लस फोर हो जाएगा, और ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो प्लस टू हो जाएगा। तो लेड प्लस फोर किसने बदल रहा है भैया, लेड प्लस टू में बदल रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा लेड प्लस फोर प्लस टू में बदल रहा है। ये सेम क्वेश्चन ड्यूरिंग रिचार्जिंग, सेम क्वेश्चन, ड्यूरिंग रिचार्जिंग व्हिच प्रोसेस अकर एट कैथोड। यहाँ पर ऑप्शन वही, लेड डबल प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू लेड, लेड प्लस फोर प्लस टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू लेड प्लस टू, यहाँ पर लेड प्लस फोर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू लेड डी, लेड इक्वल टू लेड प्लस टू इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप देख लीजिएगा रिचार्ज होने पर, यहाँ पर कैथोड पर आपने देखा था ये लेड सल्फेट, यहाँ पर आपने लिखा था टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू लेड प्लस SO4 डबल माइनस में, ऐसे आपने कैथोड पे लिखा था, ये कैथोड है। अब इसको आप अगर तोड़ोगे तो ये लेड डबल प्लस हो जाएगा, इसको आप R करके लेड डबल प्लस लिख सकते हो, प्लस SO4 डबल माइनस लिख सकते हो, प्लस टू इलेक्ट्रॉन, इसको आप लेड लिख सकते हो, प्लस SO4 डबल माइनस, ये सो फोर डबल माइनस कैंसिल कर दो तो ये बचेगा लेड डबल प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू लेड हो जाएगा। तो हो गया लेड स्टोरेज सेल के बारे में। अब आप लिखेंगे निकल कैडमियम सेल,
निकल कैडमियम सेल। यहाँ पर कैडमियम एनोड होगा, कैडमियम एनोड, निकल ऑक्साइड कैथोड, और यहाँ पर हो जाएगा KOH एज इलेक्ट्रोलाइट। ये हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रोड रिएक्शन देखें। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये एनोड, ये कैथोड, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2OH-, यहाँ पर 2OH- कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कैडमियम, यहाँ पर NiO2, ये वाटर, यहाँ पर CdOH4 ट्वाइस, यहाँ पर NiOH2, तो ये हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दो, दिस सेल कैन बी रिचार्ज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स adhere from electrode, electrolyte remains adhere from electrode, तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं इलेक्ट्रोड से चिपके रह जाते हैं, ये चीज हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखा जाए, चिपके रह जाते हैं, from this cell potential of about 1.4 volt can be obtained. इससे
वोल्ट का पोटेंशियल. दिस सेल इज हेंस कैन बी इजीली हैंडल. Then storage. So more useful than lead storage cell. चलो भैया. तो हम लोग बैटरी के बारे में पढ़ रहे थे, अब फ्यूल सेल के बारे में पढ़ते हैं. फ्यूल सेल H2O2. ये पोरस ग्रेफाइट कैथोड, पोरस कैटलिस्ट यूज होता है, कैटलिस्ट और एजी कोबाल्ट ऑक्साइड प्लेटिनम. यहाँ पर KOH इलेक्ट्रोलाइट होगा. यहाँ पर ध्यान दें, एक यहाँ पर आउटलेट बना होगा. ये आउटलेट है, यहाँ पर ये H2+O2, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, H2O बन जाएगा. H2O2 से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, मतलब कंबसन होगा. कंबसन हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. यहाँ पर ध्यान दें इसके बारे में, फ्यूल सेल कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इन्होंने किया था बेकन सेल. ये होता है फ्यूल सेल और बेकन सेल. ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है. ये कॉमन फ्यूल सेल है H2O2 सेल. H2O2 सेल कॉमन फ्यूल सेल है. ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे.
चूंकि जब तक आप यहाँ पर पास करेंगे फ्यूल, तब तक आपको एनर्जी मिलेगी। फ्यूल पास करना बंद, एनर्जी बंद। कंबसन एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये हो जाएगा, जानते रहेंगे। इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर एच टू प्लस टू ओ एच माइनस, यहाँ पर टू एच टू ओ प्लस टू इलेक्ट्रॉन इनटू टू एनोड, यहाँ पर ओ टू प्लस टू एच टू ओ प्लस फोर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर फोर ओ एच माइनस। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर दो वाटर यहाँ पर दो वाटर से कैंसिल हो जाएंगे, चार ओ एच से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर दो वाटर आप देख रहे हो और दो से मल्टीप्लाई की हो, चार वाटर है, मतलब दो वाटर बचेगा। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो गया। दिस सेल इज मोस्ट इफिशियंट, इज मोस्ट इफिशियंट। यहाँ पर 60 to 70%, यहाँ पर डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच, तो ये ईटा इफिशियंसी है, ये इफिशियंसी है। और यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू आप लिखते हो माइनस एन एफ सेल, यहाँ पर डेल्टा एच हो जाएगा। बीइंग मोस्ट इफिशियंट being most efficient and pollution free cell, being is used in air space या space purpose। space purpose like अपोलो मून मिशन, ये हो जाएगा। तो ये चीज हो गया भैया। चलो तो हम लोग देख लिए फ्यूल सेल के बारे में भी, अब हम लोग चर्चा कर लें थोड़ा सा कोरोसन सेल के बारे में। सॉरी कोरोसन सेल नहीं, कोरोसन के बारे में।